उसके बाद ये फरमाया गया कि आदम से गलती हुई और शैतान से भी गलती हुई, और दोनों ने अल्लाह से उसकी रबूबियत का हवाला दे करके दुआ मांगी। आदम हव्वा ने क्या कहा, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना, रबूबियत का हवाला दिया कि नहीं, ए हमारे रब। और शैतान ने क्या कहा, काला रब्बि फानज़िरनी इला यौमि युबासून, उसने कहा ए मेरे रब मेरी भी एक दुआ है। जब देखा कि आदम की दुआ कबूल हो गई तो इसने भी रबूबियत का हवाला देकर के अल्लाह से एक दुआ मांगी। क्या कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया फइन्नका मिनल मुनज़रीन, तेरी दुआ कबूल है, तुझे मोहलत दी जाती। देखो इसने डायरेक्ट रब से मांगा और दुनिया को लगा दिया कि बगैर वसीले के दुआ कबूल नहीं होती। कैसा होशियार, कैसा चालाक है। वो बोलता है कि ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, और दुनिया वालों के जहन में क्या डाल दिया है कि जब तक वसीला ना हो किसी नबी का, किसी वली का, किसी आदमी का, और तरह तरह की ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल जिसको कहते हैं, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल ऑर्नामेंटेशन करना किसी बात के अंदर, जैसे पानी निकालने के लिए कुएं से डोल और रस्सी की जरूरत होती है, छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत। तो देखो ये फलसफियाना बात है, ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल है, ये गोबर के ऊपर सोने का मुलम्मा किया जा रहा है, ऐसा करता है, इसको कहते हैं ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल, गोबर के ऊपर सोने का मुलम्मा। खुद तो रब से डायरेक्ट मांग रहा है, रब पे फांसुरनी, ऐ मेरे रब, कोई वसीला नहीं, और हजरत आदम ने भी किसी का वसीला नहीं लिया, डायरेक्ट रब से मांगा। तो आदम ने डायरेक्ट रब से मांगा, दुआ कबूल हुई, शैतान ने भी डायरेक्ट रब से मांगा, उसकी भी दुआ कबूल हो गई, लेकिन दूसरों को लगा रखा कि वसीले की दुआ कबूल नहीं होती। कैसा चालाक, कैसा गुमराह करता। और एक नुक्ता ये भी मालूम हुआ कि जब दुआ करो ऐ मेरे रब, जब आदमी बोलता है मेरे रब तो अल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। शैतान की दुआ कबूल कर ली तो गुनहगार की दुआ को कबूल नहीं करेगा क्या? शैतान की दुआ कबूल कर ली, उसने रबूबियत का हवाला दिया, काला रब्बे फांज़िरनी काला फइन्नका मिनल मुनज़रीन, तेरी दुआ कबूल की जाती है। तो अगर शैतान रबूबियत का हवाला दे करके अपनी दुआ कबूल करवा सकता है तो क्या हम डायरेक्ट रब से मांग कर अपनी दुआ के लिए? आप देखिए तमाम नबियों ने रब्बे रब्बना कहकर ही दुआ मांगी रबूबियत का हवाला देकर, और हर एक की दुआ कबूल हुई। बीमार थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, रब्ब इन्नी मस्सनी ज़ुर्र, नूह अलैहिस्सलाम रब्ब ला तज़र अल अर्ध, रब्ब इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। तमाम नबियों की दुआ देख लीजिए रब्बे से शुरू होती है, ऐ मेरे रब, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात जरूर है, ऐ मेरे रब। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब तो उसकी रहमत झूम जाती है, माँ क्या मांगते बोलते दे देता हूं। वो इंसान की तरह थोड़ी है, वो तो अपनी शान के मुताबिक देता है, रब है, रब है।